नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। जम्मू कश्मीर से पिछले काफी दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही थी जहां पर आतंकवादी लगातार सक्रिय थे और ऐसी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे जिनको सेना ने नाकाम किया है। एक बार फिर से बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर के कुलगांव से सामने आ रही है जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी हां, अहमद डार बीजेपी कार्यकर्ता जिनके घर के बाहर संदिग्ध आतंकवादियों ने गोलियों से उनको खून डाला है। लगातार पिछले एक साल में 10 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले जम्मू कश्मीर से सामने आए हैं। धारा 370 हटने के बाद से बीजेपी नेता लगातार आतंकवादियों के निशाने पर है। एक अधिकारी ने जानकारी दी कि भाजपा कार्यकर्ता जावेद अहमद डार को गोलियों से खून डाला गया है। उन्होंने कहा, जावेद कुलगाम के लिए भाजपा के निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी थे। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस दल तथ्यों का पता लगाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। उनके घर के बाहर घेराबंदी कर दी गई है ताकि पता लगाया जाए कि आखिर ये संदिग्ध आतंकवादी थे कौन। आपको बता दें कि 15 अगस्त के पहले भी इस तरह की कई गतिविधियां सामने आई जहां पर बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया गया। कुछ ही दिन पहले एक बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला किया गया था। उससे पहले एक और ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर पंचायत सदस्य को भी गोलियों से खून डाला था। उनकी पत्नी के साथ भी ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था। लगातार ये आतंकवादी बीजेपी नेताओं को निशाने पर लिए हुए हैं और इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आज जावेद अहमद डार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज भी थे, उन पे जो है मिलिटेंट ने हमला किया और उसको मार गिराया। हालांकि उसको पहले जो है जख्मी की सूरत में अस्पताल पहुंचाया गया था, मगर उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। आपको मैं बता दूं कि ये अगर हम बात करें दक्षिण कश्मीर की कुलगाम की, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के गुलाम रसूल और उसकी बीवी को भी मिलिटेंट ने जो है मार गिराया था। आज फिर से भारतीय जनता पार्टी, जो कि जावेद अहमद डार जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज भी है वहां पे कुलगाम में, उसको भी जो है मिलिटेंट ने मार गिराया। हालांकि अगर हम बात करेंगे इस कुलगाम जहां पे ये ब्राजलू में रहता है, वहां पे फौज और पुलिस ने पूरे एरिया को सील कर दिया गया है और तलाशी जारी मुहिम जो है वो अभी जारी है। वीके न्यूज के लिए मैं रईस वानी, जम्मू कश्मीर से।